हाय फ्रेंड्स, मैं मीना। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू पनीर कुलचा। आलू पनीर कुलचा बनाना बहुत आसान है, इसे आप भी बनाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आलू पनीर के कुलचे बनाने की सामग्री है: आधा कप दूध, आधा कप कटा हुआ बारीक धनिया, बेकिंग पाउडर 1/4 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, चीनी 1/2 चम्मच, पनीर हमने 100 ग्राम लिया है, 3 उबले हुए आलू, 1 कप मैदा, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 4 चम्मच दही, 1 कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। आटा लगाने के लिए हम एक बाउल लेंगे। बाउल के अंदर हम मैदा डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे, पीसी हुई चीनी डालेंगे और दही डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें हम दूध डालेंगे और डो तैयार करेंगे। आप चाहे तो इसमें पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जरूरत के हिसाब से दूध लेंगे। इसी तरह सॉफ्ट डो बनाएं और अब इसे हम 15 मिनट के लिए रखेंगे सेट होने के लिए। तीनों आलू को हमने छीलकर मसल लिया है और अब इसमें हम कद्दूकस किया हुआ पनीर डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम कुलचा बनाएंगे। आटा हमारा सेट हो गया है, अब हम कुलचा बनाएंगे। कुलचा बनाने के लिए हम इस तरह से आटे को लेंगे। लेने के बाद हम इस तरह से लोई बना लेंगे। लोई बनाने के बाद हम सूखे आटे में लपेट लेंगे। आटे में लपेटने के बाद हम इसे बेलेंगे। बेल लिया है हमने और अब इस तरह हम हाथों बेलेंगे और इसमें स्टफिंग भरेंगे। इस तरह से स्टफिंग को आपको भर लेना है। भरने के बाद हम इसे इस तरह से मोड़ लेंगे। इस तरह से हम बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद हम इसे दबा देंगे। दबाने के बाद हम इस तरह रख के ऐसे दबा देंगे और अब इसे हम फिर से सूखा आटा लगाएंगे। इस तरह से दबा लेना है। इसे हम बेलेंगे, हल्के हाथ से बेलना है आपको। बेलने के बाद हम इसके ऊपर कटा हुआ धनिया पत्ता लगा लेंगे। इस तरह से और तिल लगाएंगे इस तरह से और अब इसे हम फिर से बेलेंगे। इसी तरह से हम कुलचे को बेल लेंगे और अब इसे हम तवे पर सेक लेंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है और अब हम तवे के ऊपर कुलचे को डाल देंगे। कुलचे को हम पलट देंगे और ऊपर से हम तेल लगा लेंगे। आप घी, बटर, कोई भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरफ से हम तेल लगा लेंगे। और कुलचे को चित्ती आने तक अच्छे से हम सेक लेंगे। कुलचा दोनों तरफ से अच्छे से सेक गया है और अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे।
इसी तरह से हम दूसरे भी कुलचे को सेक लेंगे। आलू पनीर कुलचा बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना सॉफ्ट बना है। इसी तरह से आप भी बनाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।